नमस्कार, झारखंड की खबरों में आप सबों का स्वागत है। आइए जानते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों को। इससे पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। बढ़ते हैं खबरों की ओर। दुमका में मिनी सचिवालय स्थापित करने की उठी मांग, विधायक बसंत सोरेन ने सीएम हेमंत सोरेन को सौंपा पत्र। दुमका के विधायक बसंत सोरेन ने उपराजधानी में मिनी सचिवालय स्थापित कराने की मांग मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से की। अपने क्षेत्र के जनमुद्दों को लेकर लगातार राज्य सरकार को आकर्षित कराते रहे श्री सोरेन ने सोमवार को रांची में मुख्यमंत्री से मिलकर इन विषयों पर बात की तथा लंबे समय से उठ रही मांग के अनुरूप दुमका में मिनी सचिवालय बनवाने की मांग रखी। उन्होंने यहाँ मुख्यमंत्री का आवास एवं अन्य संरचनाओं का निर्माण और इंस्टॉलेशन कराए जाने के साथ साथ पहले से निर्मित मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय का सुदृढ़ीकरण कराए जाने का भी अनुरोध किया। विधायक बसंत सोरेन ने कहा कि 15 नवंबर 2000 को राज्य की उपराजधानी दुमका को घोषित किया गया था। 21 सालों के उपरांत यहां बहुत स्थिति नहीं बदली। दो साल पहले झारखंडी सरकार के गठन से संथाल परगना प्रमंडल के निवासियों में आशा एवं उम्मीद जगी है कि इस क्षेत्र की समस्याओं का निराकरण अब उपराजधानी के स्तर से शीघ्र किया जाएगा। ऐसे में उपराजधानी दुमका में मिनी सचिवालय स्थापित कराए जाने से तथा मुख्यमंत्री का कैंप कार्यालय सुव्यवस्थित किए जाने से संथाल परगना के निवासियों की समस्याओं का त्वरित निराकरण तो होगा ही, इस क्षेत्र के समुचित और समेकित विकास की गति भी तेज होगा। शिकारीपाड़ा के विधायक नलेश सोरेन ने कहा कि सिद्धेश्वरी नदी की दोनों ओर बनवा दे 4 किलोमीटर सड़क। शिकारीपाड़ा के विधायक नलेश सोरेन ने अपने विधानसभा क्षेत्र रानीश्वर प्रखंड के बांसुली पंचायत के मुर्गुनी गांव में 1204.36 करोड़ रुपए से प्रस्तावित ब्राज के निर्माण से पूर्व 4 किलोमीटर पक्की सड़क निर्माण कराए जाने की मांग सीएम से की है। विधायक नलेश सोरेन ने कहा कि सिद्धेश्वरी नदी की ओर मुर्गुनी की तरफ वर्तमान में PWD सड़क से प्रस्तावित ब्राज स्थल तक 2 किलोमीटर लंबाई में तथा नदी के पार दाएं ओर बिलकांदी पंचायत के जामजोड़ी में ब्राज स्थल से मुख्य सड़क तक 2 किलोमीटर यानी कुल 4 किलोमीटर सड़क निर्माण की जरूरत है ताकि ब्राज निर्माण में प्रयुक्त होने वाले सामग्री की ढुलाई हो सके। ब्राज निर्माण के बाद उस पर अवस्थित पुल से नदी को पार किया जाएगा तथा नदी पार करने वाले गाँव को जोड़ा जाएगा तो इस सड़क की उपयोगिता काफी बढ़ जाएगी। कोडरमा में एक दिन में मिले 12 नए कोरोना संक्रमित, सदर हॉस्पिटल की महिला चिकित्सक सहित 5 कर्मी पॉजिटिव। कोडरमा जिले में सोमवार को कोरोना संक्रमण के 12 नए मामले मिलते ही हड़कंप मच गया। संक्रमितों में सदर अस्पताल की महिला दंत चिकित्सक के अलावा 4 अन्य कर्मी भी शामिल हैं। करीब 4 माह बाद इतनी बड़ी संख्या में एक साथ कोरोना पीड़ित मरीजों के मिलने से जहां स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया है, वहीं लोगों में एक बार कोरोना के प्रति चिंता भी बढ़ गई है। जानकारी के मुताबिक सदर अस्पताल में टूनेट और रैपिड एंटीजन टेस्ट किट से हुई जांच के दौरान इन संक्रमितों की पुष्टि हुई है। सभी लोगों में सर्दी, बुखार, सिरदर्द, खांसी और गले में परेशानी की शिकायत थी। इसके बाद इनकी जांच की गई। संक्रमितों की बढ़ती हुई संख्या को देखते हुए जिला प्रशासन एक बार फिर इंजीनियरिंग कॉलेज में पहले से बने DCHC को खोलने की तैयारी में है। वहीं सभी संक्रमितों को सदर अस्पताल में बने DCHC में भर्ती करने की प्रक्रिया चल रही है। 5,000 रुपये घूस लेते पंचायत सेवक अशोक तिवारी को ACB ने किया गिरफ्तार। बड़कागांव ब्लॉक ऑफिस में मचा हड़कंप। भ्रष्टाचार निरोधक टीम ने हजारीबाग जिला अंतर्गत बड़कागांव प्रखंड कार्यालय में पदस्थापित ग्राम पंचायत चंदोल और बड़कागांव मध्य पंचायत के पंचायत सेवक अशोक नारायण तिवारी को ब्लॉक मोड़ से 5,000 रुपये रिश्वत लेते धर दबोचा। ACB टीम का नेतृत्व पुलिस उपाध्यक्ष हजारीबाग ACB थाना प्रभारी विजय शंकर कर रहे थे। इसकी सूचना जैसे ही बड़कागांव प्रखंड सह अंचल कार्यालय पहुंची, सभी सरकारी कर्मियों में हड़कंप मच गया। शिकायतकर्ता बड़कागांव प्रखंड अंतर्गत चंदोल पंचायत का ग्राम मर्दू सोती निवासी जितेंद्र रजवाड़ है। शिकायतकर्ता जितेंद्र रजवाड़ मुखिया बिंदिया देवी से अनुशंसित 15वें वित्त आयोग मद के 2,49,900 प्राकलन राशि से मर्दू सोती गांव में दशकर्मा सेट का निर्माण में अध्यक्ष है। मर्दू सोती में दशकर्मा सेट निर्माण किया जा रहा था, इस काम को लेकर पंचायत सेवक द्वारा जितेंद्र से पैसे की मांग कर रहे थे। शिकायतकर्ता जितेंद्र रजवाड़ ने बताया कि पंचायत सेवक द्वारा योजना निर्माण में काफी परेशानी किया जा रहा था। बार बार कार्यों को रुका कर राशि की मांग की जा रही थी, इससे परेशान होकर ACB में जाने का मन बनाया। ACB टीम को शिकायत के बाद टीम के सदस्यों ने अपने स्तर से जांच पड़ताल शुरू की। शिकायत सही पाए जाने के बाद ACB की टीम ने आरोपी की गिरफ्तारी के लिए योजना भी बनाया।
योजना के अनुसार पूर्व नियोजित समय अनुकूल पंचायत सेवक अशोक नारायण तिवारी को ब्लॉक मोड़ बुलाया गया। श्री तिवारी के यहां पहुंचने पर शिकायतकर्ता जितेंद्र ने जैसे ही पंचायत सेवक को रुपया दिया, वैसे ही पहले से घात लगाकर बैठी एसीबी टीम के सदस्यों ने पंचायत सेवक को पैसा लेते रंगे हाथ धर दबोचा। इस कार्रवाई में हजारीबाग एसीबी की टीम में डीएसपी विजय शंकर के अलावा दंडाधिकारी आयुक्त सह सचिव परिवहन हजारीबाग के रविराज वर्मा, इंस्पेक्टर बिंदेश्वरी दास, नुनू देवराम, सुखदेव सोरेन सहित अन्य सुरक्षाकर्मी शामिल थे। बिहार होते हुए नेपाल जा रहा 40 लाख का गांजा रामगढ़ के कुजू में बरामद, दो गिरफ्तार। रामगढ़ जिला के कुजू थाना क्षेत्र स्थित नया मोड़ फोरलेन सड़क से 10 चक्का ट्रक से करीब 4 क्विंटल गांजा बरामद किया है। बाजार में इसकी कीमत 40 लाख रुपए की बताई जा रही है। पुलिस ने मौके से चालक और उप चालक को गिरफ्तार किया। पुलिस की इस बड़ी सफलता पर सोमवार को कुजू ऑफिस परिसर में रामगढ़ एसपी प्रभात कुमार ने पत्रकारों को जानकारी दी। एसपी श्री कुमार ने बताया कि ट्रक में अवैध रूप से काफी मात्रा में मादक पदार्थ को बिहार होते हुए नेपाल की ओर ले जाने की सूचना मिली। इस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए रामगढ़ एसडीपीओ किशोर कुमार रजक के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया। साथ ही नया मोड़ फोरलेन सड़क पर छापेमारी अभियान चलाया गया। जांच के दौरान जब ट्रक नया मोड़ पहुंचा तो उसे रोका गया। ट्रक के रुकते ही इसकी जांच शुरू की गई। इस दौरान केबिन में बने चालक सीट के पीछे के हिस्से को खोला गया तो उसमें पैक किया हुआ काफी मात्रा में बंद पैकेट पाया गया। जब सभी पैकेट को खोलकर देखा गया तो उसमें गांजा मिला। पुलिस ने मौके से चालक बिट्टू सेठी और उप चालक एन भास्कर राव को गिरफ्तार किया। दोनों से पूछताछ के क्रम में बताया कि मादक पदार्थ आंध्र प्रदेश से लोड किया गया है जो बिहार होते हुए नेपाल पहुंचाना है। झारखंड के पूर्व सीएम रघुवर दास ने हेमंत सरकार पर साधा निशाना, बोले 2 साल के कार्यकाल का श्वेत पत्र जारी करें। भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सह झारखंड के पूर्व सीएम रघुवर दास ने कहा कि हेमंत सरकार हर मोर्चे पर विफल साबित हो रही है। चुनाव से पहले किए गए सारे वादे झूठे साबित हुए हैं। दुमका परिसदन में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने हेमंत सरकार को झूठ और लूट की सरकार बताया। कहा कि इस सरकार को अपने 2 वर्ष के कार्यकाल पर श्वेत पत्र जारी करना चाहिए। पूर्व सीएम रघुवर दास ने जेएमएम के चुनावी घोषणा पत्र को दिखाते हुए कहा कि जनता से झूठे वादे कर सत्ता में आई इस सरकार ने 2 साल में कोई काम नहीं किया, विकास कार्य ठप रहा। छोटे किसानों के हित में रखकर मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना सहित कई अच्छी योजनाएं जो भाजपा की सरकार ने चालू किया था उसे हेमंत सरकार ने इसे बंद करा दिया। उन्होंने कहा कि पिछड़ों को आबादी के अनुरूप आरक्षण देने के लिए उनके कार्यकाल में सर्वेक्षण का कार्य जस्टिस लोकनाथ प्रसाद के नेतृत्व वाली कमेटी को दिया गया था। वर्ष 2019 में शुरू कराए गए इस सर्वेक्षण कार्य को सरकार में आते ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बंद करा दिया। जबकि चुनावी वादे में भी झामुमो ने एसटी को 28% और पिछड़ा वर्ग को 27% आरक्षण देने की बात सरकार बनने के महज 3 माह के अंदर देने की बात कही थी, पर 2 साल होने के बाद भी आरक्षण पर कोई घोषणा यह सरकार नहीं कर सकी है। कस्तूरबा स्कूल की शिक्षिकाओं के लिए खुशखबरी, मानदेय में होगी वृद्धि, जानिए कितने प्रतिशत की होगी बढ़ोतरी। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की शिक्षिकाओं के लिए मानदेय में 4 साल बाद 20% तक की वृद्धि होगी। राज्य में 203 कस्तूरबा विद्यालय हैं और विद्यालय में 603 शिक्षिकाएं कार्यरत हैं। झारखंड शिक्षा परियोजना ने स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग को प्रस्ताव भेजा है। राज्य सरकार अपने मद से मानदेय में वृद्धि करेगी। वर्तमान में शिक्षिकाओं को 22,000 रुपये मानदेय मिलता है, प्रतिमाह लगभग 4,400 रुपये की वृद्धि होगी। इनके मानदेय में पिछली बढ़ोतरी वर्ष 2016 में हुई थी। प्रावधान के अनुसार मानदेय की 60% राशि भारत सरकार और 40% राशि राज्य सरकार देती है। मानदेय वृद्धि को लेकर पूर्व में केंद्र को भी प्रस्ताव भेजा गया था, केंद्र ने फिलहाल मानदेय में वृद्धि को स्वीकृत नहीं दी है। ऐसे में मानदेय वृद्धि की पूरी राशि राज्य सरकार अपने मद से देगी। मानदेय में वृद्धि का इस वर्ष अप्रैल से की जाएगी। मानदेय वृद्धि की राशि एरियर के रूप में दी जाएगी। मानदेय वृद्धि के प्रस्ताव को झारखंड शिक्षा परियोजना कार्यकारिणी परिषद से स्वीकृति मिल गई है। झारखंड में शिक्षक नियुक्ति के इंतजार में बैठे शिक्षित बेरोजगारों के लिए खुशखबरी, नए साल में इतने हजार होगी बहाली। झारखंड के शिक्षित बेरोजगारों के लिए अच्छी खबर है। नए साल यानी अगले वित्त वर्ष 2022-23 में बड़े पैमाने पर नियुक्ति की तैयारी हो रही है। सबसे ज़्यादा शिक्षकों की नियुक्ति होगी, 10,000 नहीं बल्कि जितना आप सोच रहे होंगे उससे अधिक। इस बाबत झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने ऐलान भी कर दिया है। उन्होंने कहा कि अगले वित्त वर्ष में शिक्षकों की नियुक्ति की तैयारी कर ली गई है। यह सब शिक्षा के गुणवत्ता में सुधार के लिए किया जा रहा है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन ने 2019 के विधानसभा चुनाव के दौरान वादा किया था कि उनकी सरकार बनी तो हर साल 5 लाख युवाओं को नौकरी देंगे। इसका असर भी हुआ, उनकी सरकार बन गई। इसके बाद पिछले
दो साल से झारखंड के युवा और बेरोजगार नौकरी मांग रहे हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बार बार कहते आए हैं कि यह नियुक्तियों का साल होगा, नौकरी का इंतजार कर रहे शिक्षित बेरोजगारों के लिए। इस बीच झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने बड़ी बात कह दी है। उन्होंने 70,000 शिक्षकों की नियुक्ति का भी ऐलान किया है। गुमला के आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों के लिए आयोजित छात्रवृत्ति परीक्षा सम्पन्न, 1150 विद्यार्थी शामिल हुए। गुरुकुल संस्थान द्वारा रविवार को आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों को प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी निशुल्क कराने के उद्देश्य से जिला स्तरीय छात्रवृत्ति परीक्षा का आयोजन SS+2 उच्च विद्यालय और सरस्वती विद्या मंदिर उच्च विद्यालय में किया गया। इस परीक्षा में गुमला शहरी क्षेत्र के अतिरिक्त जिला के सभी प्रखंड में निवास करने वाले 1150 विद्यार्थी सम्मिलित हुए। संस्थान के निदेशक रविंद्र सिन्हा ने कहा कि इस परीक्षा का उद्देश्य जिले के विद्यार्थियों को प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी के लिए जागरूक कराना और जिले के मेधावी छात्रों को एक अच्छा प्लेटफॉर्म प्रदान कर उन्हें निशुल्क प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कराने की है। उन्होंने बताया कि इस परीक्षा का परिणाम संस्थान द्वारा 22 दिसंबर को जारी किया जाएगा, जिसे छात्र संस्थान में आकर देख सकेंगे। JPSC मामले पर पक्ष विपक्ष में तकरार, झामुमो ने कहा भाड़े के लोगों से करा रहे हंगामा, BJP ने दिया जवाब। JPSC PT को लेकर पक्ष विपक्ष आमने सामने है, विपक्षी दल सरकार पर हमला कर रहे हैं। भाजपा सदन के अंदर इस मामले को जोर शोर से उठा रही है, सदन में गतिरोध के आसार हैं। JPSC के मुद्दे पर आंदोलन को भाजपा ने मुद्दा बनाया, वहीं सत्ता पक्ष ने भी इस मामले में भाजपा पर जवाबी हमला किया है। सदन के अंदर भी विपक्ष को सत्ता पक्ष कटघरे में खड़ा कर सकती है। पेयजल स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने JPSC विवाद पर विपक्ष के आरोपों पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि जो लोग JPSC परीक्षा का विरोध कर रहे हैं वे विकास नियोजन और रोजगार विरोधी हैं। उन्होंने कहा कि JPSC की एक भी परीक्षा भाजपा सरकार ने नहीं ले पाई, अब भाड़े के लोगों को साथ लेकर हंगामा कर रहा है। मंत्री हफीजुल हसन के आवास पर झामुमो सदस्यता ग्रहण समारोह में पत्रकारों के सवाल के जवाब में मिथिलेश ठाकुर ने उक्त बातें कही। उन्होंने कहा कि जो सच्चे अभ्यर्थी हैं उन्हें आंदोलन से लेना देना नहीं है, हंगामा करने वाले भाड़े के लोग हैं। झारखंड के कई इलाकों में बड़ी ठिठुरन, जाने आने वाले दिनों के मौसम का हाल। झारखंड में ठंड का व्यापक असर दिखने को मिलने लगा है। राजधानी रांची समेत पूरे राज्य में इस समय कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। ठंडी हवाओं की वजह से ठिठुरन भी बढ़ गई है। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में न्यूनतम तापमान 7 और अधिकतम 22 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान लगाया है। इस बीच ठंड को देखते हुए लोगों को सतर्क रहने की अपील भी की गई है। भस्मी विक्षोभ के चलते पूरे उत्तर और पूर्वी भारत में ठंड का प्रकोप बढ़ गया है। तापमान में 3 डिग्री से ज्यादा की गिरावट आई है। इस बीच झारखंड के कई जिलों में हल्की बारिश होने की भी संभावना जताई गई है। मौसम विभाग ने राज्य के दक्षिणी भागों में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस तापमान में गिरावट की संभावना व्यक्त की है। वहीं राज्य के अन्य भागों में 1 से 2 डिग्री सेल्सियस तापमान गिर सकता है। झारखंड में टीकाकरण की गति धीमी, पूर्वी सिंहभूम को छोड़कर सभी जिलों में 50% से कम वैक्सीनेशन। झारखंड में टीकाकरण की स्थिति ठीक नहीं है। सरकार ने 50% से कम टीकाकरण वाले जिलों को लाल घेरे में रखा है। आंकड़े बता रहे हैं कि पूर्वी सिंहभूम को छोड़ राज्य के 23 जिले लाल घेरे में हैं। सिर्फ पूर्वी सिंहभूम में 56% टीकाकरण हुआ है, यानी 9,46,589 लोगों का पूर्ण टीकाकरण हो चुका है। आप सबको बता दें कि 50 से 60% वाले को पिंक, 60 से 70% वाले को ऑरेंज, 70 से 80% वाले को येलो, 80 से 90% वाले को लाइट ग्रीन और 90% से ऊपर वाले जिला को डार्क ग्रीन में रखा गया है। किसानों की मेहनत रंग लाई, झारखंड में हुआ बंपर खेती, 48 लाख मीट्रिक टन धान का हुआ उत्पादन। झारखंड में 2021 के खरीफ मौसम में 48 लाख मीट्रिक टन धान का उत्पादन हुआ। कृषि विभाग ने बीते खरीफ फसलों के उत्पादन की रिपोर्ट केंद्र सरकार को भेज दी है। इसके अनुसार करीब 58 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न उत्पादन संभावित है। इस वर्ष खरीफ में करीब 17.63 लाख हेक्टेयर में धान लगाया गया था। खरीफ में कुल 20.58 लाख हेक्टेयर में खेती हुई थी। इस वर्ष बीते साल से अधिक खेतों में धान लगाया गया था। पिछले साल 49 लाख टन धान का उत्पादन हुआ था। इस बार भी उत्पादन का अंतिम आंकड़ा इससे अधिक होने की उम्मीद है। खरीफ में धान के अतिरिक्त ज्वार, बाजरा, मक्का और रागी की खेती भी हुई थी। दोस्तों, चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। इसके साथ ही आज की खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।